देखो यार, सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ कि जो बंदा ड्रीम इलेवन के ऊपर 1 करोड़ या 2 करोड़ वाले कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाता है, उसकी टीम में ऐसा क्या अलग होता है जो आपकी टीम में नहीं होता? अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूं तो उस बंदे की टीम में 3 से 4 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लास्ट वाले मैच का, मुंबई और लखनऊ वाले मैच का, जिसके अंदर विनर की टीम में वाइस कैप्टन था कृणाल पांड्या, जिसके बारे में काफी कम बंदों ने सोचा होगा। उसके बाद था उस बंदे की टीम में कैरोन पोलार्ड, और उसके बाद उस बंदे की टीम में था मोहसिन खान। यानी ये 3 ऐसे प्लेयर थे जो उस बंदे की टीम में ट्रम्प प्लेयर थे और जिनके बारे में काफी कम बंदों ने सोचा होगा। तो दोस्तों, जो ये वाला मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, 38वां मैच आईपीएल का, इस मैच में भी दोस्तों हम अब ग्रैंड लीग की जो टीम बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में बात करेंगे जिनका सिलेक्शन तो बहुत कम है, लेकिन अगर वो प्लेयर चलते हैं तो आपके लिए कैप्टन के भी दावेदार रह सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। तो दोस्तों, ये वाला मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड के ऊपर, आज यानी 25 अप्रैल को शाम को 7:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, और लाइक करना बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप ऐसे लाइक बटन दबा सकते हो, और आज हम टारगेट रखते हैं 700 लाइक का। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी बात, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे दोस्तों आपको फ्री में टीम्स, फ्री में गिव अवे, सब कुछ मिलता रहेगा। और एक चीज और दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रैंड लीग की बात करेंगे, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये सोच के कि पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करेगी और स्टार्टिंग के अंदर पिच फास्ट बॉलरों को थोड़ा फेवर कर सकती है। तो दोस्तों, मैंने एक टीम बनाई है जिसके अंदर मैंने विकेट कीपर में लिया है जॉनी बेस्टो को, बैटिंग में लिया है शिखर धवन, अंबाती रायडू और शिवम दुबे को, ऑलराउंडर में लिया है रविंद्र जडेजा और लियाम लिविंगस्टोन को, और बॉलिंग में लिया है ड्वेन ब्रावो, कागिसो रबाडा, राहुल चार, मुकेश चौधरी और वैभव अरोड़ा। अब दोस्तों, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया और रोबिन उथप्पा को ड्रॉप किया। काफी बड़ा रिस्क लिया, लेकिन दोस्तों आपको ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने रिस्क क्यों लिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि वैभव अरोड़ा है जिसका सिलेक्शन मात्र 7% है, ये स्टार्टिंग के अंदर बॉलिंग करने आएगा पावर प्ले का पहला ओवर, और ये मोस्ट प्रोबली अपने 2 ओवर के स्पेल में ऋतुराज गायकवाड़ को भी आउट कर देगा और रोबिन उथप्पा को भी आउट कर देगा। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लिया अंबाती रायडू और शिवम दुबे, मैंने ये मान के लिए कि ये दोनों प्लेयर अच्छे रन स्कोर करेंगे मिडिल ओवर के गेम के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैंने ये माना कि राहुल चार है वो अपने स्पेल का 3रा या 4था ओवर डालेंगे, जो कि पंजाब की टीम का 12वां या 13वां ओवर होगा, और उस ओवर में राहुल चार अंबाती रायडू और शिवम दुबे में से किसी एक को ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया रविंद्र जडेजा को, क्योंकि अंबाती रायडू और शिवम दुबे में से अगर कोई आउट होगा तो रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आएंगे, और उस टाइम तक रविंद्र जडेजा अच्छी बैटिंग करेंगे, और उसके बाद कागिसो रबाडा डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए इनमें से किसी 1 या 2 का विकेट निकाल के ले जाएंगे। उसके बाद जब सेकेंड इनिंग के अंदर पंजाब की टीम बॉलिंग करने आएगी, उस केस में मुकेश चौधरी अपने पहले या दूसरे ओवर में मयंक अग्रवाल को आउट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शिखर धवन और जॉनी बेरिस्टो कुछ टाइम तक रन बनाएंगे, और दोस्तों उसके बाद 7वां या 8वां ओवर लेके आएंगे ड्वेन ब्रावो, जो कि शिखर धवन और जॉनी बेरिस्टो में से किसी एक को आउट कर देंगे, और उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन आएंगे, और उसके बाद पंजाब की टीम ये मैच जीत जाएगी। तो मैंने इस लॉजिक से एक टीम बनाई है। अब दोस्तों, इस टीम में हमारा गेम चेंजर प्लेयर है वैभव अरोड़ा। रीजन क्या दोस्तों, पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा, डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करेगा, अगर स्टार्टिंग में विकेट मिली तो गेम चेंजर प्लेयर रहने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन है मात्र 7%। अगर इस टाइप की टीम में हम कैप्टन की बात करें, अगर आपको ज्यादा रिस्क लेने का शौक है कि आप ऑल आउट जाना चाहते हैं, तो आप वैभव अरोड़ा को कैप्टन बना सकते हो। रीजन सिंपल है, पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा, अगर स्टार्टिंग में विकेट मिल गई इस प्लेयर को तो 3 से 4 ओवर कंप्लीट करेगा, लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग करने नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कैप्टन बना सकते हो लियाम लिविंगस्टोन को। एक चीज और बता दोस्तों, इस टाइप की एक टीम के अंदर आप कैप्टन बना सकते हो शिवम दुबे को, वाइस कैप्टन बना सकते हो अंबाती रायडू को, या फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा गेम चेंजर प्लेयर है जॉनी बेस्टो, जिसका सिलेक्शन है मात्र 41%,
लेकिन अगर ये प्लेयर खेलता है तो 3 नंबर भी बैटिंग करने आ सकता है, और अगर ये प्लेयर 3 नंबर भी बैटिंग करने आएगा तो यहाँ पे चांसेस ये कि प्लेयर अच्छा रन स्कोर कर दे। अगर दोस्तों यहाँ पे जॉनी बेयरस्टो ना खेले तो यहाँ पे आप जितेश शर्मा को मौका दे सकते हो या महेंद्र सिंह धोनी को मौका दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों जॉनी बेयरस्टो की जगह इस मैच में भानुका राजपक्षे भी खेल सकते हैं। दोस्तों हम स्टार्टिंग की हमें एक टीम ऐसे बनानी है जो कि थोड़ा रिस्क से भरी हुई है। ये टीम आपकी पॉसिबल कब कब होगी या ये टीम विनिंग जोन में कब आएगी, जब वैभव अरोड़ा स्टार्टिंग के अंदर रोबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को ले जाए, या वैभव अरोड़ा का रोबिन उथप्पा को ले जाए और यहाँ पे गायकवाड़ को कागेश्वर बाड़ा ले जाए, यानी ये दोनों प्लेयर स्टार्टिंग के अंदर 2 विकेट निकाले तो ही ये टीम आपकी विनिंग जोन में आ सकती है। ये इस टीम का रिस्क है, लेकिन इस टीम में मैंने 2 गेम चेंजर प्लेयर बताए हैं, एक है वैभव अरोड़ा और दूसरा है जॉनी बेयरस्टो, जिनके ऊपर काफी कम बंदे ध्यान देने वाले। अब दोस्तों हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हम ये सोच के बनाते हैं कि पंजाब की टीम पहले बॉलिंग तो करेगी लेकिन स्टार्टिंग के अंदर चेन्नई की विकेट नहीं गिरेंगे। अब दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर में लिया जितेश शर्मा को, बैटिंग में लिया रोबिन उथप्पा, मयंक अग्रवाल, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ को, ऑलराउंडर में लिया लियाम लिविंगस्टोन को, बॉलिंग में लिया ड्वेन ब्राव, कागिसो रबाड़ा, अर्शदीप सिंह, मुकेश चौधरी और महेश थिक्षणा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करेगी लेकिन पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरेगा, इसलिए दोस्तों मैंने चेन्नई के पहले रोबिन उथप्पा को लिया, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को लिया, यानी दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ले लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने लिए पंजाब के बॉलर कागिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह। दोस्तों अर्शदीप सिंह तो फॉर श्योर डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा और रबाड़ा स्टार्टिंग में 2 ओवर डालेगा, उसके बाद 2 ओवर डेथ में डालेगा, तो मैंने दोनों डेथ ओवर के बॉलर ले लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या माना कि जब सेकंड इनिंग के अंदर पंजाब की टीम बैटिंग करेगी उस टाइम पंजाब का टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन जल्दी आउट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिखर धवन को ड्रॉप कर दिया और मैं ये मान के चला कि मुकेश चौधरी शिखर धवन का विकेट निकाल के ले जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे जॉनी बेयरस्टो, जिनकी वीकनेस है स्पिन, तो मैं ये मान के चला कि महेश थिक्षणा जॉनी बेयरस्टो को भी ले जाएंगे, यानी इन दोनों प्लेयर को विकेट मिलेगी, इन दोनों प्लेयर को विकेट मिलेगी। अब मैंने ये माना कि मयंक अग्रवाल और लियाम लिविंगस्टोन दोनों जो प्लेयर है वो रन बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन आएगा 4 नंबर पे। उसके बाद मैंने ये मान के चला कि डेथ ओवर में ड्वेन ब्राव बॉलिंग करने आएगा और इनमें से किसी एक को ले जाएगा, उसके बाद में जितेश शर्मा आ जाएगा। इस लॉजिक से मैंने ये टीम बनाई है। अब दोस्तों इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रह सकता है, गायकवाड़, उथप्पा, उसके बाद दोस्तों कौन रह सकता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रह सकता है आपके लिए लियाम लिविंगस्टोन, और दोस्तों एक रिस्क वाला कैप्टन रह सकता है यहाँ पे अर्शदीप सिंह। अब अर्शदीप सिंह रिस्क वाला कैप्टन इसलिए दोस्तों, अगर चेन्नई की टीम स्टार्टिंग के 10 ओवर में विकेट लूज नहीं करती है, अर्शदीप सिंह डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएंगे, और आपने देखा हो दोस्तों कोलकाता वाले मैच में जब रसल ने डेथ ओवर में बॉलिंग की थी तो 4 विकेट निकाले थे, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में अगर विकेट फॉल कम होंगे तो डेथ में जो भी प्लेयर आएगा वो मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि टीम बढ़िया पोजीशन में होगी, जो भी आएगा वो मारने की कोशिश करेगा, और हो सकता है उस केस में अर्शदीप सिंह 3 या 4 विकेट निकाल ले, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप ड्वेन ब्रावो को भी मौका दे सकते हो। अब दोस्तों इस टीम में आपके लिए चेंज ऑफ स्कोप क्या, यानी आप क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को मौका दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लियाम लिविंगस्टोन को ड्रॉप करने का रिस्क लेते हो, आप ये मान के चलते हो कि लियाम लिविंगस्टोन फ्लॉप होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे किसको मौका दे सकते हो, उस केस के अंदर यहाँ पे आप मौका दे सकते हो जॉनी बेयरस्टो को, या भानुका राजपक्षे के लिए तो उसको मौका दे सकते हो। अब दोस्तों एक चीज बता दूं आपको कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की अपनी टीम है, उस टीम के अंदर दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर पावर प्ले में स्विंग बॉलिंग करने वाला मात्र एक बॉलर है, जिसका नाम है मुकेश चौधरी, यानी दोस्तों उस टीम में स्टार्टिंग में बॉलिंग करने वाला बॉलर नहीं है, तो या तो पावर प्ले में डिवाइन पिट्रोइस बॉलिंग करने आएगा, क्योंकि जो वानखेड़े की जो पिच है वो स्पिनर को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देती है, यानी वानखेड़े की पिच के ऊपर स्पिनर को थोड़ा कम विकेट मिलते हैं एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर, तो यहाँ पे या तो ड्वेन पिट्रोइस बॉलिंग करने आएगा। अगर दोस्तों चेन्नई की टीम किसी नए बॉलर को खिलाती है तो उस बॉलर का नाम रह सकता है मथीसा पथिराना, जो कि दोस्तों एक श्रीलंका का 19 साल का बॉलर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करता है, लेकिन दोस्तों उस प्लेयर को लोग मलिंगा से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो जब बॉलिंग करता है तो वो भी 72 डिग्री का एंगल बनाता है, मलिंगा का जैसा एक्शन है, और अगर दोस्तों मथीसा पथिराना खेलते हैं और अगर दोस्तों चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग करती है तो मैं उसको एक टीम के अंदर याद से कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाऊंगा, चाहे कितना ही मैं हार ना जाऊं, क्योंकि मेरे को पता है जब नया बॉलर आता है तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, और वो बॉलर पक्का विकेट निकाल के लेके जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको दूसरी टीम बनानी, वो इस कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब सीएसके की टीम, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बॉलिंग करती है और स्टार्टिंग के अंदर पिच फास्ट बॉलर को थोड़ा फेवर कर सकती है। तो इस टीम में दोस्तों मैंने विकेट कीपर में लिया जितेश शर्मा को, बैटिंग में लिया रोबिन उथप्पा, शिखर धवन, शाहरुख खान और ऋतुराज गायकवाड़ को, ऑलराउंडर में लिया लियाम लिविंगस्टोन को, बॉलिंग में लिया ड्वेन ब्राव, राहुल चार, मुकेश चौधरी और महेश थिक्षणा को।
अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या माना है कि मुकेश चौधरी अपने पहले ओवर के अंदर मयंक अग्रवाल को आउट करके ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों महेश सिक्सना अपने ओवर के अंदर जोनी बेरिस्टो को आउट करके ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन कुछ टाइम तक बैटिंग करेंगे। उसके बाद ड्वेन ब्रावो आएंगे 7वां या 8वां या 9वां ओवर लेके, वो इनमें से किसी को आउट कर देगा। उसके बाद जितेश शर्मा आएंगे और जितेश शर्मा हिटर है जो कि 10 से 15 बॉल खेलेंगे हार्डली और 30-35 रन बना के देंगे आपके लिए और वो आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शाहरुख खान आएंगे, वो भी 25-30 रनों का आपके लिए योगदान दे सकते हैं। उसके बाद जब चेन्नई की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी तो चेन्नई वन तरफा ये मैच जीतेगी। मैंने ये मान के चला कि चेन्नई एक तरफा ये मैच जीतेगी, तो यहाँ पे मैंने लिया रोबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ को, दोनों ओपनर को ले लिए और ये दोनों ओपनर ही ऑलमोस्ट मैच जितवा ले जाएंगे। लेकिन लास्ट के ओवर में राहुल चहर एक विकेट निकाल देगा, तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। अब दोस्तों इसमें आप चेंज क्या कर सकते हो, इसमें दोस्तों आप एक चेंज कर सकते हो, आप शाहरुख खान की जगह यहाँ पे रविंदर जडेजा को मौका दे सकते हो, या फिर यहाँ पे आप शाहरुख खान की जगह किसको मौका दे सकते हो, मोइन अली या मिचेल चैंटन में से किसी को मौका दे सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप शाहरुख खान की जगह किसको मौका दे सकते हो, अंबाती रायडू को मौका दे सकते हो। अब दोस्तों इस टाइप की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, इस टाइप की टीम दोस्तों कैप्टन रह सकता है आपका गायकवाड़, उथप्पा, मुकेश चौधरी, महेश थिक्षणा। अब एक चीज फिर से बता दूं दोस्तों, अगर चेन्नई की टीम यहाँ पे मथिसा पथिराना जो श्रीलंका का बॉलर है उसको मौका देती है और चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग करती है, तो मैं यहाँ पे महेश थिक्षणा या मुकेश चौधरी या फिर राहुल चार में से किसी एक की जगह मथिसा पथिराना को ट्राई करके उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों उस प्लेयर का एक्शन मलिंगा की तरह, उसको मलिंगा की तरह कंपेयर किया जा रहा है। मात्र 19 साल का लड़का है जिसने 2 मैच खेले, T20 के 2 ही विकेट लिए 8.54 की इकोनॉमी से, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो दोस्तों ये होगी अपनी टीम नंबर 3 जिसके अंदर हमें ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आगे की टीम बनाएंगे, वो बनाएंगे हम बेसिक प्लेयर चूज करके। अब बेसिक प्लेयर क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें 7 से 8 बेसिक प्लेयर चूज करने हैं और बाकी प्लेयरों को रोटेट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने यहाँ पे 7 बेसिक प्लेयर चूज किए जिसके अंदर मैंने विकेट कीपर में लिया जोनी बेरिस्टो को, बैटिंग में लिया शिखर धवन को, ऑलराउंडर में लिया रविंद्र जडेजा और लियाम लिविंगस्टोन को, और बॉलिंग में लिया ड्वेन ब्रावो, कागिसो रबाडा और राहुल चार। मैंने यहाँ पे 7 बेसिक प्लेयर चूज कर लिए। उसके बाद दोस्तों आपको बाकी जो अपने 4 प्लेयर है उनको रोटेट कर सकते हो, जैसे आप बैरिस्टो की जगह यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को मौका दे सकते हो, या फिर दोस्तों आप शिखर धवन के साथ मयंक अग्रवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रोबिन उथप्पा, शिवम दुबे और अंबाती रायडू में से किसी 2 या 3 को मौका दे सकते हो, आप जडेजा और लियाम लिविंगस्टोन के साथ ड्वेन पेट्रोइस को मौका दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप बॉलिंग में क्या कर सकते हो, मुकेश चौधरी को मौका दे सकते हो, महेश थिक्षणा को मौका दे सकते हो, अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हो, वैभव अरोड़ा को मौका दे सकते हो। यानी दोस्तों मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि आपको 7 से 8 बेसिक प्लेयर चूज करने हैं और बाकी प्लेयरों को आपको रोटेट करना है। अब दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि यहाँ पे अगर जोनी बेरिस्टो ना खेले तो आपके लिए महेंद्र सिंह धोनी फिक्स प्लेयर रह सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस मैच के अंदर 90% लोग लियाम लिविंगस्टोन को सिलेक्ट करने वाले हैं और उनमें से 30 से 35% लोग लियाम लिविंगस्टोन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं। अगर आप रिस्क लेते हो ज्यादा तो आप 2 टीम के अंदर लियाम लिविंगस्टोन को कंप्लीटली ड्रॉप करके चलो, कि आप ये मान के चलो कि लियाम लिविंगस्टोन इस मैच में फ्लॉप होंगे। अगर दोस्तों आपकी वो 2 टीमें सक्सेसफुल हुई तो आप ऑलरेडी 30% लोगों को बीट कर सकते हो, आपको ये चीजें बैक ऑफ माइंड रखनी है। लेकिन अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो उसमें आप लियाम लिविंगस्टोन को रोक मत कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस मैच में जो प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर रह सकते हैं, ट्रंप प्लेयर रह सकते हैं, तो वैभव अरोड़ा मेरा फर्स्ट प्रियोरिटी रहने वाला है जिसका सिलेक्शन मात्र 7% है, ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रह सकता है। दूसरा प्लेयर दोस्तों मेरा क्या रह सकता है, जोनी बेरिस्टो अगर ये प्लेयर खेलता है तो। तीसरा प्लेयर दोस्तों इस मैच में रविंद्र जडेजा रह सकता है जिसका सिलेक्शन भी काफी कम है, और दोस्तों चौथा प्लेयर रह सकता है लियाम लिविंगस्टोन। लियाम लिविंगस्टोन इसलिए क्योंकि दोस्तों इसका सिलेक्शन बहुत हाई है, अगर ये फ्लॉप होता है तो आपके लिए जीतने के चांस बढ़ सकते हैं अगर आप इसको ड्रॉप करके चलते हो। बाकी दोस्तों कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके आज से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से पंजाब और चेन्नई के बीच होने वाले मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।